हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की शुरुआती सूची में 9 मौजूदा विधायकों को जगह नहीं दी। टिकट ना मिलने से नाराज हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा देकर सरकार से अलग होने का फैसला किया, जिसे हरियाणा की सियासत में हलचल मच गई है। रणजीत सिंह चौटाला ने अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा टिकट ना देने के बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। इस बीच बीजेपी द्वारा मौजूदा 9 विधायकों को टिकट ना देने के फैसले ने पार्टी के भीतर असंतोष को और बढ़ा दिया है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी से टिकट ना मिलने के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने नायब सिंह सैनी की कैबिनेट से इस्तीफा देकर घोषणा की है कि वह रनिया विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी शुरुआती उम्मीदवार सूची में 9 मौजूदा विधायकों को जगह नहीं दी है, जिसमें रणजीत सिंह चौटाला का नाम भी शामिल था। टिकट ना मिलने से नाराज चौटाला ने पार्टी से अलग होकर स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है। बीजेपी द्वारा मौजूदा विधायकों को टिकट ना देने का यह फैसला पार्टी के भीतर असंतोष का कारण बनता दिख रहा है। रणजीत सिंह चौटाला ने स्पष्ट किया है कि वह रनिया से अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े। देश और दुनिया की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।